नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube टिप्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक शॉर्ट वीडियो का चैनल बनाया है और अपने चैनल पर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हो, तो यार काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है कि यार कैन का हम शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें। डिपेंड करता है कि आपका वीडियो की टॉपिक कौन सा है और आप कितने सेकंड का शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो, कैसे वायरल होगा, कैसे उसे अपने शॉर्ट वीडियो में डालकर आप वायरल कर सकते हो। और हमारे दिमाग में एक बात तो आती है कि यार हम जब अपना एक चैनल ओपन कर रहे हैं तो यार शॉर्ट जो वीडियो है वो वायरल कितने सेकंड का होगा। हर किसी के मन में ये आता ही है कि हमारा जो शॉर्ट वीडियो है वो हम कितने सेकंड का बनाएं ताकि हमारा वीडियो जो है वो अच्छा खासा वायरल हो। तो दोस्तों यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती है, मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको अपने शॉर्ट वीडियो कितने सेकंड का बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर अभी तक के आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जो 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड के होते हैं और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो 40 से 45 सेकंड के होते हैं और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो 59 सेकंड से कम में होते हैं। तो दोस्तों तीन प्रकार के वीडियो होते हैं। दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कौन सा है। अगर आपका टॉपिक 10 से 15 सेकंड में वीडियो ख़त्म होने वाला है तो आप उसमें कर सकते हो, वहाँ से भी आपका वीडियो वायरल हो सकता है। लेकिन अगर आपका फैक्ट का चैनल है या फिर टेक का चैनल है और जहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम लगता है आपको ऑडियंस के सामने कुछ जानकारी देने के लिए, तो आप 45 से 50 सेकंड का भी वीडियो वहाँ पर बना सकते हो। यदि आपका एक घर घुटी ब्लॉग है या इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिखाना होता है तो दोस्तों आप 59 सेकंड का भी वीडियो आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई कितने सेकंड की वीडियो आपको बनाना चाहिए। दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कौन से टॉपिक पे है। अब दोस्तों अगर 10 से 15 सेकंड का आप वीडियो बनाते हो तो वो वायरल हो जाता है लेकिन उस पर लगातार व्यूज़ नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं 10,000 20,000 2,000 में जाके रुक जाता है और वहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं आता है क्योंकि लोग आपके वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। अगर आप 45 से 50 सेकंड का वीडियो बनाते हैं और जो अगर आपका फैक्ट का चैनल होता है या आप किसी चीज़ का नॉलेज दे रहे हो या साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हो तो वहाँ पे आपको 40 से 50 सेकंड का वीडियो बनाना है। अगर आप 40 से 50 सेकंड का वीडियो बना रहे हो तो उसमें आपको कैसा करना है, आपको कैसे उस पर वीडियो पर जानकारी देना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप 10 सेकंड का इंट्रो रख लीजिए। 10 सेकंड का इंट्रो रखने के बाद में आप कुछ 20 सेकंड के बारे में जिस चीज़ के बारे में आप जिस टॉपिक में बताने वाले हो उस चीज़ का सस्पेंस जो है वो क्रिएट कर दीजिए वहाँ पर, कि सस्पेंस और सस्पेंस वाले ज़्यादा ही वीडियो वायरल होते हैं। तो दोस्तों जैसे पहले आपने 10 सेकंड का वीडियो बना दिया, वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और उस टॉपिक के बारे में बता दिया जिस टॉपिक के बारे में आपको बताना है, तो यार वहाँ पे पब्लिक के मन में आता है कि यार आप क्या बताने वाला है, क्या बताने वाला है। तो दोस्तों पहले आपने 10 सेकंड में इंट्रो दे दिया और वहाँ पे आपको उस बारे में बता दिया कि यार ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों ऑडियंस वहाँ पे रुकी रहती है कि आप कुछ चीज़ ऐसी बताने वाले हो तो वो वीडियो आपका लास्ट तक देखेगी, लास्ट तक के आपका वीडियो देखेगी। उसके बाद में जो 20 सेकंड है, पहले 10 सेकंड में आपने इंट्रो दे दिया और वहाँ पे आप उसको उस चीज़ के बारे में आपको हिंट दे दिया, उसके बाद में 20 सेकंड आपको उसके बारे में जानकारी देना है जो टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो उसके बारे में जानकारी देना है, और लास्ट के 10 सेकंड में आपको उसका खुलासा करना है, जिस टॉपिक में भी आप ऑडियंस को बता रहे हो उस टॉपिक में खुलासा करना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ही खुलासा करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, आपको थोड़ा सा खुलासा इसलिए करना है कि ऑडियंस को वो समझ ना पाए और आपके वीडियो को ऑडियंस दोबारा देखे। अब दोस्तों यही फंडा है वीडियो वायरल करने का, अगर ऑडियंस आपका वीडियो देखकर दोबारा देखती है तो आपका ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पर हाई होता है। अगर आप 45 से 50 सेकंड का वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर आपका ऑडियंस रिटेंशन हाई जा रहा है तो दोस्तों आपका YouTube जो आपका वीडियो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमाण में यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास में रिकमेंड करेगा, ब्राउज फीचर्स में डालेगा, सजेशंस में डालेगा और आपका वीडियो वहाँ पर अच्छा खासा वायरल होगा क्योंकि उसे ऑडियंस रिटेंशन अच्छा मिला है। तो दोस्तों लगभग शॉर्ट वीडियो जो है वो 45 से 50 सेकंड का ही डाले, लेकिन टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो अगर आप बलते बलते टॉपिक पर वीडियो बना लोगे और उसको 45 से 50 सेकंड में जहाँ पे आपको कोई जानकारी मालूम ही नहीं है और आपने उस टॉपिक पर वीडियो डाल दिया है तो दोस्तों वहाँ पर आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा, कचरे कूड़े में जाके पड़ा रहेगा। इसलिए टॉपिक आपको अच्छा सेलेक्ट करना है जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा बढ़े और आपका जो वीडियो है वो ऑडियंस पूरा वॉच करे और डबल वॉच करें। डबल वॉच करने के बाद ही वहाँ पे आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और वीडियो आपका ज़्यादा प्रमाण में वायरल होगा। तो दोस्तों अगर आपका टॉपिक कुछ ज़्यादा बड़ा है तो आप 59 सेकंड का भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो 59 सेकंड का वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 40 से 50 सेकंड का ही वीडियो आपको अपने चैनल पर शॉर्ट चैनल पर अपलोड कर देना है, वहाँ से आपका वीडियो ज़्यादा वायरल चांसेस हो सकता है।
दोस्तों शॉर्ट चैनल पर कितने सेकंड का आपको वीडियो डालना है, ये जानकारी शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।